सदर कोतवाली क्षेत्र के हिदायत नगर मोहल्ले में धारदार हथियार से हुई हत्या, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला सिद्धार्थ नगर में एक युवक की धारदार हथियार से काट कर हुई नृशंस हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस। घटना के विषय में सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहल्ला हिदायत नगर के रहने वाले जावेद की धारदार हथियार से हत्या की गई। इस हत्या का आरोप मृतक के साले पर ही लगाया गया है। सूचना पर सीओ सिटी संदीप सिंह, सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह मौके पर पहुंचे। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। पुलिस ने आरोपी रोशन को हिरासत में ले लिया है। सर, ये सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हिदायत नगर में एक हत्या हुई है, क्या मामला है? देखिए, हिदायत नगर में एक हत्या का प्रकरण आया है। आज सुबह एक व्यक्ति जाविरा के हत्या का मामला कहें या फिर कहें कि जब उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था तब उसकी मृत्यु हो गई। ये प्रकरण सामने आया है। इसमें हम लोगों ने तहकीकात स्टार्ट कर दी। मौके पर हम पूरी टीम खड़ी हुई है और इसमें हम सभी सूत्रों को और जो आसपास के लोगों ने घटनाक्रम से जुड़े हुए थे, जिन्होंने घटना होते तो नहीं लेकिन घटना के बाद की स्थिति देखी है, उनसे बातचीत भी की है। कुछ हमें सूत्र मिले हैं, कुछ जानकारी टुकड़ों में मिली है, उनको देखा जा रहा है। सर्विलांस टीम की मदद कर रहे हैं और इसमें वादी के द्वारा जो इसके पिता वादी हैं मृतक के, उन्होंने दो लोगों को नामजद किया है। उसकी भी हम लोकेशन ले रहे हैं कि वास्तव में वो घटना के समय कहाँ थे। पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पे, तथ्यों के आधार पे इस घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा और जो भी इस घटना के पीछे अभियुक्त हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। सर, इस मामले को लेकर कोई गिरफ्तारी हुई है अभी तक? अभी पूछताछ चल रही है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।